व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न होने के कारण करते हैं हमारा विरोध, कहना है राजेश पाठक के निकट का। ज्ञानोदय लर्निंग सेंटर का हुआ उद्घाटन, पुलिस परिवार के बच्चों को मिलेगी सुविधा। कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने हजारों कार्यकर्ता भोपाल रवाना। मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष एवं जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा है कि जिले में कबड्डी संघ वर्षों से इस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक स्पर्धाएं निरंतर कराता आ रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने मिल रहे हैं कि पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में जिले के कोने में विभिन्न अवसरों पर कबड्डी की स्पर्धाएं निरंतर आयोजित हो रही हैं। यहां प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी स्पर्धा का भी आयोजन हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संघ ने निर्णय लिया है कि आगामी महीनों में हम बालाघाट की पावन धरा पर राष्ट्रीय महिला कबड्डी स्पर्धा का आयोजन कराएंगे। सिद्धांतों वाले हैं, अपना कोई मन का व्यक्तिगत या किसी से कोई झगड़ा या फसाद ऐसा नहीं है। अब कोई आदमी मान सम्मान और कोई बात आएगी तो जो स्थिति उस समय थी वही स्थिति आ गई। अपना कोई जब जोर जमीन का झगड़ा तो है किसी से। इसी राजनीति समाचार से एक समाचार और राजनीतिक बातें हैं, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी हमारी भी राजनीतिक इच्छा हो सकती है, हम भी उसमें कार्य कर रहे हैं या सामाजिक क्षेत्र में जो भी रहता है, हर किसी की इच्छा होती है। अब बाकी तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से भी बंधे हुए हैं, शासन से भी बंधे हुए हैं। जब जैसा मौका ऊपर वाले देंगे या कहीं से सारी चीजें समय से पहले, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, परिस्थिति जैसी होगी उसके लिए अपन तैयार कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र से आप भी दौड़ने हैं क्या? वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से दौड़ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दौड़ में पार्टी कराएगी तो हो जाएगी। पुलिस परिवार के बच्चों को उनके कैरियर बनाने में मदद करने की मंशा से स्थानीय पुलिस लाइन में ज्ञानोदय लर्निंग सेंटर का शुभारंभ रविवार को पुलिस अधीक्षक के हस्ते किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एक लर्निंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत शहर आज जिले में भी लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें वर्तमान में पुलिस लाइन व पुलिस परिवारों के बच्चों को पढ़ने की प्राथमिकता होगी। इस सेंटर का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को अच्छा माहौल देना है। डीजी साहब के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एक लर्निंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस लाइन और पुलिस परिवारों के जो बच्चे उनको एक पढ़ने के सेंटर के रूप में सुविधा दिया जाना, उनके करियर काउंसलिंग में मदद करना और बेसिकली उनके करियर से रिलेटेड कोई भी यदि जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रदेश भाजपा नेतृत्व के आह्वान पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन 25 सितंबर को होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में लगभग 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में विजय श्री का संकल्प दिलाया जाएगा। बालाघाट भी इसी जज्बे के साथ 24 सितंबर को लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं का काफिला भोपाल के लिए रवाना हुआ। विशेष ट्रेन को बालाघाट स्टेशन में कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को जिले के 1488 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। शहर के नगर पालिका के महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा के निरीक्षण करते हुए परीक्षा से संबंधित जानकारी डीपीसी डॉक्टर एम के शर्मा से प्राप्त की। डीपीसी डॉक्टर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा आयोजन की निगरानी के लिए 61 अधिकारियों को नियुक्त किया गया। 1488 परीक्षा केंद्रों पर 16921 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा का मूल्यांकन 150 अंकों का होगा, जिसमें 50 अंक पढ़ना, 50 लिखना और 50 अंक गणित के शामिल होंगे।
नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जाम में संगीतमय श्रीमद् भगवद् महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कथा का शुभारंभ बीते 20 दिसंबर को कलशों की भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया, जहां कथावाचक पंडित संतोष पांडे के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसके बाद से प्रतिदिन गीता का महत्व, राजा परीक्षित की कथा के साथ ही श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके पावन अवतारों एवं लीलाओं का श्रवण, अपनी ओजस्वी वाणी से ज्ञान प्रेम एवं भक्ति रस से पूर्ण कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। वैकुंठ की प्राप्ति हो इसमें कोई संशय नहीं है। बल्लो अगली कथा जो कथा कल सुनाई जाएगी, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, एक भजन हो जाए उसके बाद आगे। आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे दिनांक 24 सितंबर 2023 को अपने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा को सौगात देते हुए लगभग 3 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। मंत्री श्री कावरे ने ग्राम मोहगांव, ग्राम पंचायत नेवर गांव में नल जल योजना का भूमि पूजन, जिसकी लागत 49.28 लाख रुपये, सेरवी में सेरवी जलाशय मरम्मत कार्य हेतु भूमि पूजन जिसकी लागत 24.42 लाख रुपये एवं नल जल योजना कार्य का सेरवी जिसकी लागत 48.72 लाख रुपये, खामी लागत 34.89 लाख रुपये, दुरेंदा लागत 35.07 लाख रुपये, सूर्या लागत 50.31 लाख रुपये के लिए भूमि पूजन, तुमडी टोला मगर गर्दा में विधायक निधि से सीसी रोड निर्माण हेतु भूमि पूजन लागत 3.49 लाख रुपये, और महा में विधायक निधि से सभा मंच निर्माण हेतु भूमि पूजन लागत 2 लाख रुपये एवं डोंगर बोडी जलाशय मरम्मत कार्य हेतु भूमि पूजन लागत 43.39 लाख रुपये, मंझारा टवेझरी में विधायक निधि से सभा मंच निर्माण हेतु भूमि पूजन लागत 2 लाख रुपये, टवेझरी में विधायक निधि से सभा मंच निर्माण हेतु भूमि पूजन लागत 2.5 लाख रुपये किया। आगे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की देन है कि ऐसे आपने ऐसे प्रत्याशी चुना है जो अपने इस विधानसभा क्षेत्र का विकास विकास ये धरती और विधानसभा पुकारती है, उसका नाम रामकिशोर कावरे जी। आगम धोखे से शिवराज जी को आपने ले दिए, तो वो जो मिल रहा है ना 1000 रुपया, अपने घर के लोग भी कहेंगे कि हम तो कट्टर वाले हैं। क्या वाले हैं? देखना भाई, हमारी जात का व्यक्ति आ रहा है तो अपने जात को ही देंगे, अपन कट्टर वाले हैं। तो जात वाला 1000 रुपया खाते में डाला है क्या?